नंबर सिस्टम और इक्वेशन सॉल्यूशन दोनों मिक्स है। और आमतौर पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। और एक क्वेश्चन जो हम लोग सैंपल के लिए हैं आज, वो 2000 में एसएससी एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 2030। देन व्हाट इज द मिडिल नंबर? ऑप्शंस आर 25, 26, 27 and 28। मैं हिंदी में बता रहा हूं। द सम ऑफ, सम मीन जोड़, ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तीन लगातार नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का जोड़, तीन लगातार नेचुरल नंबर्स को स्क्वायर करते हुए अगर हम जोड़ेंगे तो 2030 आता है। तो जो मिडिल नंबर होगा, तीन नंबर का जो मिडिल नंबर होगा वो क्या होगा? 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा या 28 होगा? इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आते हैं और बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सॉल्व कैसे करेंगे? मान लीजिए वो नेचुरल नंबर एक्स है। तो नेचुरल नंबर एक्स, थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, पहला नंबर एक्स, दूसरा नंबर क्या होगा एक्स प्लस वन, और तीसरा नंबर होगा एक्स प्लस टू। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, हमेशा ध्यान रखिएगा, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे नेचुरल नंबर है। तो हर नेचुरल नंबर के बीच में डिफरेंस लगातार अगर बढ़ा जाए तो हमेशा वन ऐड होता रहता है। मतलब तीन के बाद वाला नेचुरल नंबर क्या होगा? चार। आठ के बाद नेचुरल नंबर क्या है? नौ। नेचुरल नंबर आफ्टर 11 इज 12, लाइक दैट। तो तीन हमने देख लिया है ना। अब क्या लिखा हुआ? स्क्वायर्स ऑफ थ्री, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव, मतलब इसका स्क्वायर का समेशन, मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को हम जब जोड़ेंगे तो इतना आता है 2030। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ये आएगा 2030। अब ये इक्वेशन फॉर्मेट में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। नाउ इसको सॉल्व करते हैं। ये एक्स स्क्वायर उतर गया, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। आप याद करिएगा हमारे पिछले सेशन में जब हमने बताया गया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे समझने के लिए। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका डिटेल में अगर आपको जानना है तो हमारा पिछला वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। हम लोग सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा? ये हो गया, ये उतना, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी, ए बी टू एक्स इंटू वन टू एक्स प्लस बी स्क्वायर वन का स्क्वायर वन। अब यहां क्या है? प्लस, ये प्लस उतार दिए, ये प्लस यहां उतर गया। अब एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी, टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू टू, टू इंटू फोर एक्स, फोर एक्स प्लस, क्लियर है? बी स्क्वायर मीन्स टू स्क्वायर, टू स्क्वायर मीन्स, टू स्क्वायर मीन्स टू इंटू टू इक्वल टू फोर, यहां आगे फोर, ये सिंप्लीफाई हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये उतार दीजिए 2030। नाउ अब इसको हम लोग
और सिंप्लीफाई करना है क्योंकि पूरा मिक्स है। अब देखिए x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहां भी है क्योंकि यहां साइन कुछ नहीं है तो प्लस एक्स स्क्वायर है, यहां भी प्लस एक्स स्क्वायर है और प्लस एक्स स्क्वायर यहां भी है, एक्स स्क्वायर तीन बार प्लस आया है तो ये हो गया थ्री एक्स स्क्वायर। अब देखिए x 2x वाला टर्म 2x प्लस 4x प्लस 2x प्लस 4x कितना हुआ प्लस 6x प्लस 6x हो गया कंप्लीट। अब देखिए यहां पे नंबर प्लस 1 है प्लस 4 है प्लस 1 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 4 इक्वल टू 5 प्लस 5 लेफ्ट हैंड साइड सिंपलीफाई हो गया, राइट हैंड साइड उतार दीजिए 2030। नाउ अब यहां पे देखिए ये 5 को हम लोग या तो उधर भेजिए या इधर लाइए, बहुत सिंपलीफाई करना है तो 5 को हम लोग यहां भेजें तो क्या हो गया नया ये हो गया 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x इधर बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल टू 2030 माइनस 5। अब देखिए प्लस 5 को अगर हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो प्लस 5 हो जाएगा माइनस 5। हम लोग पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे, क्लियर किया कि जब प्लस जो लेफ्ट हैंड साइड में अगर प्लस होता है तो आरजेस भेजते हैं तो माइनस हो जाएगा 2030 माइनस 5। 2030 माइनस 5 कितना हुआ 2030 माइनस 5 इक्वल टू 2025 2025। अब ये हो गया सिंपलीफाई हो गया 3 एक्स स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 2025। अब हमको इसको और सॉल्व करना है 3x स्क्वायर इसको और सिंपलीफाई करना है तो 3x स्क्वायर 6x और 2025 इसमें सिमिलर क्या है, क्या सिमिलर है, सिमिलरिटी क्या है इसमें, यहां पे 3 है x स्क्वायर है यहां पे 6 है और x है यहां पे 2025 है तो 3 और 6 में सिमिलरिटी क्या है 3 है, 6 और 3 में जो कॉमन फैक्टर है दैट इज 3 तो यहां से हम 3 अलग कर सकते हैं। अब देखते हैं ये 3 का 3 इसका फैक्टर है कि नहीं है, मतलब 3 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आया कि नहीं आएगा, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2025 पर 3 है कि नहीं है, हमारा 2025 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो सिंपली ऐड इट्स डिजिट्स 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 5 हम इसको ऐड कर देंगे तो 9 थ्री से डिविजिबल है, 9 अगर 3 से डिविजिबल है तो 2025 भी 3 डिविजिबल है, मतलब ये भी मतलब इसमें और इसमें क्या सिमिलरिटी मिला कि सभी नंबर जो हैं वो 3 से डिविजिबल हैं। अब कितने हैं देखते हैं इसको 2025 3 6 18 20 3 7 21 15 ठीक है तो यहां से हम निकाल दिए 3 तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 3 इंटू 675 क्लियर है ये 3 इंटू एक्स स्क्वायर जो सिंप्लीफाई कर दिए तो एक्स स्क्वायर अंदर और 3 इंटू 2x 6x 6x को 3 इंटू 2 इंटू एक्स कर दिए 6x इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू एक्स और 3 बाहर निकाल दिए ब्रैकेट के तो ये हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहां हो गया 3 इंटू 675 2025 क्लियर है 3 इंटू 675 इक्वल टू 2025 3 इंटू 675 इक्वल टू 2025। अब देखिए ये 3 इंटू दिस और 3 इंटू दिस इक्वेशन में अब क्या होगा सॉल्व कीजिए ये 3 हट गया क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 675 क्लियर है 3 हट गया तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 2x और यहां आ गया 675। नाउ अब देखिए अब हमें
कुछ हद तक आपको दिख रहा होगा कि इस फॉर्मेट में आ रहा है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको उस फॉर्मेट में लाएंगे ताकि फास्ट हमें मालूम पड़े कि एक्चुअली एक्स है क्या। तो इसको हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कैसे, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर तो हो गया ए स्क्वायर, ये टू ए बी ये लोग कन्वर्ट हो सकते हैं, टू ए बी, क्लियर है, ए स्क्वायर तो आ गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू वन, टू इंटू टू एक्स को टू इंटू एक्स इंटू वन लिखिए, बात बराबर है, टू एक्स प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स वन स्क्वायर इक्वल टू 675 प्लस, हाँ यह कैच है। अब देखो यहां पे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स, यहां पे क्या था 675। इक्वेशन सॉल्व करने से मैं अगर जब हम सिंप्लीफाई करते हैं कुछ सिंप्लीफाई करते हैं और कुछ नंबर्स सिंप्लीफाई करने के समय अगर कुछ नंबर्स डिजिट्स ये अगर हम एलएचएस में लेके आते हैं तो सेम नंबर आप उसी फॉर्मेट में आरएचएस में भी रख दीजिए तो दोनों बराबर रहेगा, इक्वलाइज रहेगा। मतलब जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और कोई नंबर हमें डालना पड़ रहा है किसी कारण से एक साइड में तो क्या कीजिए कि दूसरी साइड पे वही नंबर डाल दीजिए, उसी के आगे इक्वेशन बराबर रहेगा, कोई बैलेंस बिगड़ेगा नहीं, आंसर वही रहेगा। जिस हम यहां पर इस फॉर्मेट को सिंप्लीफाई करने के लिए यहां तक लाने के लिए जब हम देखें कि इसमें सिर्फ वन स्क्वायर ही ऐड करना पड़ रहा है, जैसे ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा तो ये वन स्क्वायर को हम यहां भी ऐड कर दिए, राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दिए सिंप्लीफाई करने के लिए। उम्मीद है वो क्लियर हो रहा है। मैं दोबारा बता रहा हूं, इक्वेशन सॉल्व करने समय अगर जरूरत पड़े तो कुछ नंबर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना पड़ता है या माइनस करना पड़ता है तो आप राइट हैंड साइड में भी वही नंबर ऐड या माइनस कर दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इक्वल किए तो ये प्लस वन स्क्वायर और प्लस वन स्क्वायर आपस में कट के जीरो ही हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये और ये अगर हट भी जाएगा तो बात बराबर है, इसको हटा दीजिए, प्लस वन स्क्वायर यहां भी है प्लस वन स्क्वायर यहां भी कर दीजिए, क्योंकि हम इसमें से खाली यही तो ऐड किए थे। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस फॉर्मेट में हमें वन स्क्वायर ऐड करना पड़ा तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में भी यही ऐड कर दीजिए, बात बराबर है। बट ये बात बराबर होते हुए भी आपको हेल्प करेगा सिंप्लीफाई करने में। आइए अब देखते हैं क्या है। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ ए है एक्स और बी है क्या वन होल स्क्वायर, ये कहला गया आगे इसमें, क्लियर है, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये क्या हुआ, अभी तो सॉल्व कीजिए, 675 वन का स्क्वायर कितना होता है, वन का स्क्वायर वन होता है, तो 675 प्लस वन 676, क्लियर है यहां तक। अब देखिए 676 को हमको सिंप्लीफाई करना है, 676 2 3 6 16 2 8 16 2 1 2 13 2 6 12 18 2 9 18 169। आप याद कीजिए 169 इज 13 × 13, 13 × 13 39 13 × 39, तो 676 क्या हुआ 2 × 2 676 क्या हो गया 2 × 2 × 13 × 13, इसका मतलब
x plus 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का होल स्क्वायर इंटू 13 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 इंटू 13 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 26 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 26 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस 1 इक्वल टू 26, x प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 26 होल स्क्वायर इक्वल टू, इट मीन्स x प्लस 1 इक्वल टू 26। अब देखिए, अब प्लस 1 उधर भेजिए क्या होगा, यहाँ x बच जाएगा, यहाँ 26 और प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1 इक्वल टू 25। क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द मिडिल नंबर, मिडिल नंबर पहला नंबर था x, दूसरा नंबर क्या बोले थे x प्लस 1, तीसरा नंबर x प्लस 2, तो मिडिल नंबर है x प्लस 1, तो मिडिल नंबर क्या हुआ x प्लस 1, 25 प्लस 1 26। तो राइट आंसर इज द मिडिल नंबर इज 26 बी। क्लियर है? थैंक यू।